अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी जी। तो इस टॉपिक में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले होगा व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी स्ट्रेस उसका फार्मूला यूनिट, इसी तरह व्हाट इज स्ट्रेन, डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेन उसका फार्मूला आप लिखेंगे और यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स जी। तो डिफॉर्म का मतलब होता है ख़राब कर देना, चेंज कर देना शेप को। अब देखें डिफॉर्म का मतलब क्या है, आप ये एक ऐसी फोर्स होगी जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे, किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, उसकी तीन चीज़ों में जो है वो चेंज आ जाएगा। मीन उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज क्यों आ रहा है, इस फोर्स की वजह से, दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स जी। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक रबर बैंड है, ये एक रबर है, ठीक है, उसकी लेंथ एल है। अब क्या होगा जब आप इन दोनों साइड से क्या करेंगे, हाथों से फोर्स लगा के इसको दोनों तरफ खींचेंगे, ठीक है, आपने इधर से पकड़ के इधर खींचा, इधर से पकड़ के इस तरफ खींचा जी। जब आपने फोर्स लगाई, देखे क्या होगा, इस रबर बैंड की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। मेन आप जब रबर क्या करते हैं, दोनों तरफ खींचेंगे तो रबर की लेंथ क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, आप उसको खींच देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा के इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। जब लेंथ बढ़ेगी तो जाहिर बात है उसकी शेप भी चेंज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्यों चेंज हो रहा है, सबसे बात ये है कि हमने एक्चुअली इस रबर बैंड के साथ ऐसा क्या किया है कि इसका ये जो तीन चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेंथ, वॉल्यूम और शेप, ड्यू टू दिस फोर्स, दिस फोर्स एफ इज नाउन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट। सीज का मतलब होता है स्टॉप कर देना। तो वो कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि आपने देखें, जब हमने भी रबर के ऊपर क्या किया था, फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसकी शेप चेंज होगी। अगर आप जो है उसको खींचना बंद कर दें, ठीक है, आप जो है उस पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है सीजेस टू एक्ट, सीज का मतलब होता है बंद कर देना, स्टॉप कर देना, आप उसके ऊपर ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद कर दें तो वो क्या करेगी, वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है उस रबर बैंड की, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। हम क्या कहते हैं, ये जो रबर बैंड ये इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो जब उसके ऊपर फोर्स, आप जो है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद करेंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिस्टोर कर लेगा। इट इज़ नाउन एज इलास्टिसिटी, इस प्रॉपर्टी का नाम इलास्टिसिटी है। स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सर्फेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। मीन्स आप जब किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस बॉडी के ऊपर आप क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं जी। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। नाउ यूनिट, इन ऐसे यूनिट, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वेयर मीटर, न्यूटन पर स्क्वेयर मीटर। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन जी, व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट मे चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। तो ऑफकोर्स ऐसी बात यह है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस का मतलब क्या है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी जस्ट लाइक रबर बैंड, तो उसकी लेंथ, वॉल्यूम और जो शेप है उसमें क्या आएगा, उसमें चेंज आएगा। अ रेशियो ऑफ सच चेंज कॉज्ड बाय स्ट्रेस विद ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। मीन्स कि जितना चेंज हुआ है, उस चेंज को आप जो है अगर ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम में शेप के साथ अगर आप रेशो क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रेन है। ये तो स्ट्रेन एक्चुअली क्या होगी, देखें ये जो रेशो है, चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप, जो चेंज आएगा अगर उसको आप ओरिजिनल के साथ रेशो क्रिएट करते हैं, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेन। इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अगर सिंपल लेंथ की बात की जाए, कि लेट्स सी, हम वॉल्यूम को नहीं कंसीडर करते, शेप को नहीं कंसीडर करते, हम जस्ट बात करते हैं लेंथ की, तो जो आप लेंथ की चेंज और ओरिजिनल लेंथ को अगर आप स्ट्रेन कहेंगे, तो वो क्या होगा, टेंसाइल। लेंथ का ताल्लुक जब होगा तो आप टेंसाइल का वर्ड यूज़ करें, जिस तरह यहाँ पे क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन मतलब इक्वल है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जी। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो उसकी ये जो लेंथ है ये बढ़ गई, रबर बैंड ज़्यादा हो गया,
ठीक है, आपके पास एक रबर बैंड था, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 10 मीटर है। आप फोर्स लगा के आपने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया 13 मीटर, जब आपने खींचा उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई 13 मीटर, तो बताइए चेंज कितना आया? चेंज इन लेंथ है 3 मीटर, ओरिजिनल कितना था? 10 मीटर। देखिए वैल्यू पुट करें, चेंज इन लेंथ 3 मीटर, ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे जी तो आंसर क्या आएगा? 0.3। तो ये जो 0.3 क्या है? ये टेंसाइल स्ट्रेन है जी। तो अब टेंसाइल स्ट्रेन या स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? नो यूनिट, क्योंकि एक्चुअली ये एक रेशियो है। अब देखिए यहाँ पे मीटर मीटर है, एक्चुअली रेशियो ही ना लेंथ की जी, तो क्या होगा? मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो 0.3 के साथ अब क्या होगा? कोई भी यूनिट नहीं लगेगा। इट मीन्स कि जो स्ट्रेन है उसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली एक रेशियो है बिटवीन टू सिमिलर क्वान्टिटीज़ के साथ है। जिस तरह दोनों सिमिलर क्वान्टिटीज़ हैं लेंथ और लेंथ के साथ ही इसकी रेशियो है, तो मीटर मीटर को उसने कैंसिल कर दिया। समझ लगी बात की? तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन और जितने भी क्वेश्चंस थे ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं समझ लगी होगी। ओके जी।